हेलो बच्चों, हम लोग आज अपने इस वीडियो में एक एक करके फ्रिक्शन के तीन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने यहाँ लिख रखा है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन न्यूमेरिकल टू, देन न्यूमेरिकल थ्री। सो देखते हैं न्यूमेरिकल वन में क्या है। सो यहाँ पर देखिए, ब्लॉक बी के ऊपर जो है ब्लॉक ए रखा हुआ है, ठीक है। द ब्लॉक इज ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ओवर ब्लॉक बी। द मास ऑफ ब्लॉक ए इज 10 kg। जो ब्लॉक ए है उसका मास 10 kg दिया हुआ है। ब्लॉक बी हैज मास 15 kg। ब्लॉक बी का मास 15 kg है, ठीक है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.25। अब यहां देखिएगा, म्यू काइनेटिक म्यू स्टैटिक सेपरेट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ म्यू का वैल्यू दिया है। सो म्यू लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। एंड द कॉन्टेक्ट सर्फेस बिटवीन द ग्राउंड एंड द बी इज फ्रिक्शन लेस। देख लीजिए, बी और ग्राउंड के बीच का सर्फेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ बिलो विच बोथ ब्लॉक विल मूव टूगेदर, ठीक है। जो ब्लॉक ए है उस पर फोर्स एफ लगा हुआ है, आपको एफ का वो वैल्यू कैलकुलेट करना है जिस वैल्यू तक दोनों ब्लॉक जो है साथ में चलेगा, ठीक है। और उस वैल्यू के ऊपर जो है ब्लॉक जो है आपस में रिलेटिव मोशन करेगा, ठीक है। सो रिलेटिव मोशन करेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा, और साथ में चलेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होगा, ठीक है। सो हमें वो फोर्स निकालना है जिस फोर्स तक दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होगा, दोनों ब्लॉक जो है साथ में चलेगा, ठीक है। सो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको निकालना क्या है, एफ है ना, बिलो विच बोथ ब्लॉक विल मूव टूगेदर, दोनों ब्लॉक जो है साथ में चले। सो सबसे पहले क्या कीजिए आप, मान लीजिए लेट द कॉमन एक्सेलरेशन इज, लेट से ऐसी मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि दोनों ब्लॉक जो है अगर साथ में मूव कर रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन जो है सेम है और वो वैल्यू एसी है, ठीक है। सो दोनों ब्लॉक को हम लोग एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लाइक दिस वन, जहां पर मास हो जाएगा एम ए प्लस एम बी, ठीक है। सो ऐड कर दीजिएगा दोनों को, 25 kg हो जाएगा ये, 25 kg। आप देखिए, ये सरफेस तो फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। आपने फोर्स एफ अप्लाई किया ए पर, मान लिया दोनों साथ में मूव कर रहा है, सो मान सकते हैं कि फोर्स जो है वो एम ए प्लस एम बी पर भी लग रहा है, ठीक है। सो अगर ये फोर्स एक्सीलरेशन ए जनरेट करता है, एसी जनरेट करता है, एक्सीलरेशन एसी, ठीक है। सो सबसे पहला टास्क है एसी को निकाल लीजिए। सो क्या हो जाएगा, एफ अप्लाई, दिस एफ अप्लाई इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सो एम ए प्लस एम बी टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। सो आप क्या कीजिए, यहां से एसी निकाल लीजिए, एसी का वैल्यू जो आएगा एफ बाई एम ए प्लस एम बी आएगा, एफ बाई एम ए प्लस एम बी, ठीक है। सो वैल्यू पुट कर देते हैं, सो एफ का वैल्यू कितना है देख लीजिए, एफ का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। सो ऐसे रहने दीजिए, एफ डिवाइड बाई कितना हो जाएगा टोटल 25। सो दिस इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन कॉमन है, ठीक है। दोनों ब्लॉक जो है अभी इस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। फ्रिक्शन फोर्स एफ है ना बिटवीन ए एंड बी, बिकॉज दिस सरफेस इज फ्रिक्शन लेस, तो फ्रिक्शन फोर्स इसी दोनों के बीच में होगा अगर लगेगा तो। सो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, म्यू द मास ऑफ ए, क्योंकि आपको निकालना है ए और बी के बीच में, सो मास किसका लीजिएगा, ए का ना, ठीक है। इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उस रिएक्शन का वैल्यू आपको लेना है, सो म्यू एम ए जी, सो म्यू का वैल्यू देख लीजिए 0.25, एम ए का वैल्यू 10, जी का वैल्यू भी 10 ले लीजिए, ठीक है। सो दिस इज 25 न्यूटन, सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 25 न्यूटन आ रहा है बिटवीन ए एंड बी, और ये लिमिटिंग केस है, ठीक है। सो अगर इस ब्लॉक ए को, ठीक है,
बी के ऊपर स्लाइड करना है सो इस फ्रिक्शन को ब्रेक करना होगा। ठीक है, अगर ब्लॉक ए को ब्लॉक बी के ऊपर स्लाइड करना है सो इस फ्रिक्शन वैल्यू को आपको जो है ब्रेक करना होगा, मीन्स जो अप्लाइड फोर्स है वो इसके बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए। जब इसके बराबर होगा उस समय क्या होगा, जस्ट टेंडेंसी डेवलप होगा एडिटिव मोशन का, लेकिन मोशन नहीं होगा क्योंकि आगे का फोर्स पीछे का फोर्स इक्वल हो जाएगा, सो उसके इसमें एक्सेप्शन इज जीरो। ठीक है, सो इससे ज्यादा होना चाहिए, बट दिस इज द लिमिटिंग केस। ठीक है, हाँ, इस फोर्स तक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इतना जब होगा सो दोनों ब्लॉक जो है उस समय क्या होगा, दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स 25 न्यूटन होगा लिमिटिंग केस। ठीक है, सो हम लोग क्या करना है, एफ का वैल्यू निकालना है। सो अभी देखिए दोनों ब्लॉक को सेपरेट लीजिए, ब्लॉक बी को ड्रॉप कीजिए। ठीक है, अब ब्लॉक ए हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, सो अभी देखिए इस तरह क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले एफ जिस पर लग रहा था हमने मान लिया कि दोनों कॉमन रिस्ट्रिक्शन है, ए सी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, दूसरे ब्लॉक को जो है जिस पर फोर्स नहीं लग रहा है उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, कि क्या वो ब्लॉक साथ चलेगा या अलग चलेगा। तो देख लीजिए, अगर ये ब्लॉक ए पर आपने फ्रिक्शन सॉरी फोर्स आपने आगे की तरफ लगाया है सो अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा सो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ए के लिए बैकवर्ड होगा। ठीक है, सो ए के लिए फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड होगा अगर रिलेटिव मोशन होगा तब। ठीक है, सो बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, आगे की तरफ होगा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, सेम होगा 25 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है, 25 न्यूटन। ठीक है, सो इस ब्लॉक बी के लिए, इस ब्लॉक बी के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, सो इस ब्लॉक बी के लिए ड्राइविंग फोर्स जो है दिस इज ओनली दिस फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और दोनों ब्लॉक अगर साथ में मूव करेगा तो एक्सप्रेशन ये होना चाहिए, सो इसका मतलब ये ड्राइविंग फोर्स जो है एसी एक्सेलरेशन जनरेट करना चाहिए। ठीक है, सो देख लेते हैं, इक्वेट करते हैं फोर्स को, सो क्या हो जाएगा लिमिटिंग केस में, एसी इंटू मास ऑफ बी, एसी इंटू मास ऑफ बी, सो दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिस वन। ठीक है, सो एसी का वैल्यू एफ बाई 25 इंटू मास ऑफ बी इज 15 केजी इक्वल टू 25 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा देख लीजिए, सो इट इज 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 15, सो 5 से डिवाइड कर देते हैं 3 टाइम्स 5 टाइम्स, सो इट इज 125 बाई 3 न्यूटन। ठीक है, सो अगर आप 125 बाई 3 न्यूटन तक फोर्स लगाइएगा, मीन्स फोर्स का वैल्यू 125 बाई 3 न्यूटन के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए अप्लाइड फोर्स का वैल्यू, तो दोनों ब्लॉक जो है साथ में मूव करेगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग टेस्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो देखिए कैसे करेंगे, पहले आप लोग इसको देख लीजिए, देखिए फोर्स अप्लाइड आपके पास 125 बाई 3 आ गया, आप चेक कीजिए कि फोर्स अप्लाइड 125 बाई 3 के लिए दोनों का एक्सप्रेशन ए होगा कि नहीं होगा। सो देखिए ब्लॉक ए पर फोर्स आगे की तरफ है सो इसका वैल्यू हमने निकाला 125 बाई 3। ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स पीछे हो जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 0.25 इंटू 10 इसका मास इंटू जी, सो दिस इज 25 न्यूटन। ठीक है, फोर्स इधर लगाए हैं सो एक्सप्रेशन इधर होगा, सो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 125 बाई 3 दिस फोर्स फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स 25 डिवाइड बाय दिस मास 10, सो सी दिस इज हाउ मच, सो ये हो जाएगा 125 माइनस 75 बाई 30, सो दिस इज 50 बाई 30, सो 5 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए ब्लॉक बी के लिए, सो ब्लॉक बी के लिए फॉरवर्ड फोर्स यही हो जाएगा, ऊपर वाला का फ्रिक्शन फोर्स पीछे है तो नीचे वाले के लिए आगे हो जाएगा। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन, सो इसका एक्सप्रेशन निकालिए, देखिए इसको ए ए बोल देते हैं, सो ए भी निकालिए, सो ए भी कितना हो जाएगा, दिस फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ बी, सो 25 बाय
15, देख लीजिए ये भी 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। सो बोथ विल मूव टूगेदर, सो इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स होगा एफ का वैल्यू दिस वुड बी लेस देन इक्वल टू 125/3 न्यूटन। अगर इतना या इससे कम फोर्स आप लगाइएगा सो दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन वैल्यू है बॉडी उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा ए, और दोनों जो है वो साथ में ही चलेगा, ठीक है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू हम लोग सॉल्व करेंगे। सो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर टू, ठीक है। क्वेश्चन है द ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ओवर ब्लॉक बी, ब्लॉक ए को जो है ब्लॉक बी के ऊपर हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है। मास ऑफ ए इज 10 kg एंड मास ऑफ बी इज 20 kg, ठीक है। जो फोर्स एफ है वो हमने अप्लाइड किया है बी पर, द फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी, और फोर्स का वैल्यू कितना है, इट इज 90 N, फोर्स इज 90 N। अगेन देखिए द सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस बिटवीन बी एंड ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस एंड द कॉन्टेक्ट सरफेस बिटवीन ए एंड बी इज हैविंग कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4, ठीक है। ए और बी के बीच में कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। निकालना क्या है, फाइंड एक्सलेशन ऑफ टू ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का आपको एक्सलेशन निकालना है एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स है कितना होगा उसका वैल्यू, और दोनों ही ब्लॉक का एक्सलेशन निकालना है। तो सी ब्लाइंडली इस तरह क्वेश्चन में नहीं कीजिएगा, पहले भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया है कि सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेगा, और अगर साथ में मूव करेगा तो एक्सलेशन कॉमन होगा, ठीक है, और अगर साथ में मूव नहीं करेगा तो दोनों का एक्सलेशन डिफरेंट होगा। बट उसके लिए ब्लॉक बी पर अगर आपने फोर्स लगाया है, ठीक है, सो ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, इसका मतलब ए जो है उसको बी के ऊपर में स्लाइड करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसके पहले केस में क्या था, फोर्स जो है ए के ऊपर लगा हुआ था, ठीक है। सो ब्लॉक बी के लिए उस केस में ड्राइविंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन था, ठीक है, ओके। और अभी क्या होगा, आपने बी पर फोर्स लगाया, ठीक है, सो बी पर जो फोर्स लगेगा जो एक्सलेशन जनरेट होगा उसके कारण स्यूडो फोर्स जो है ए पर बैकवर्ड लगेगा, ठीक है। सो अगर वो स्यूडो फोर्स का वैल्यू बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज्यादा होगा तो रिलेटिव मोशन होगा, और अगर नहीं होगा तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट कॉमन एक्सलरेशन इज एसी, ठीक है। फिर से मान लेते हैं दोनों ब्लॉक को एमए प्लस एमबी कंबाइन, सो इस केस में कितना हो जाएगा, 20 + 10 इट इज 30 kg, फोर्स एफ 90 N हो जाएगा, ठीक है। मान लिया एक्सलेशन एसी है, सो एसी का वैल्यू कितना होगा बताइए, एफ बाई एमए प्लस एमबी, दिस फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, ओके, सो 90/30, सो कितना आ जाएगा, 3 m/s², ठीक है, ओके। सो अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेगा सो एक्सलेशन ये होगा, सो अगर एक्सलेशन ये है सो दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है देख लीजिए, सो 0.4 μma × g, सो म्यू का वैल्यू 0.4, ए का वैल्यू 10, जी का वैल्यू 10, सो इट इज 40 N, फ्रिक्शन फोर्स दोनों के बीच में 40 N है, ठीक है। सो अगर कॉमन एक्सलेशन एसी है, ठीक है, दोनों का एक्सलेशन कॉमन एसी है, सो ये जो फ्रिक्शन फोर्स दोनों के बीच में है, ये एक्सलेशन जो जनरेट हुआ इसके कारण इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा, वो इसको ब्रेक करने के लिए एनएफ होना चाहिए, अगर ब्रेक हो जाएगा सो रिलेटिव मोशन होगा, दोनों का एक्सलेशन अलग हो जाएगा। सो चेक करते हैं, सो ब्लॉक ए को ड्रॉ कीजिए, ठीक है, सो ब्लॉक ए इसमें कितना हो जाएगा फोर्स पीछे की तरफ, दिस इज MA × AC, ठीक है, ओके, और फ्रिक्शन फोर्स एफ 40 N, सो MA × AC, AC का वैल्यू 3 आ गया, MA का वैल्यू 10 है, सो 10 × 3, सो
सो इट इज 30 न्यूटन। सो देख लीजिए फ्रिक्शन फोर्स 40 न्यूटन है, ठीक है, और ये जो फोर्स लग रहा है आपका स्यूडो जो है दिस इज 30 न्यूटन। इसका मतलब एम ए इंटू ए सी इज लेस देन एफ जो लिमिटिंग केस होगा 40 न्यूटन। सो रिलेटिव मोशन नहीं होगा दोनों के बीच में, नो रिलेटिव मोशन, ठीक है। सो जब नहीं होगा सो दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन ही होगा और वो एक्सेलरेशन एसी ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस कैलकुलेशन में जो यहां हमने किया है एम ए इंटू एसी, मान लीजिए 50 आ जाता है, जस्ट से 50 आ जाता है, सो 50 आता है उस केस में 50 का वैल्यू 40 से ज्यादा है सो रिलेटिव मोशन होता। सो रिलेटिव मोशन जब होता तो आंसर ये नहीं होता, फिर हम लोग जो है दोनों को सेपरेट लेके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो अभी दोनों का एक्सेलरेशन जो है कॉमन होगा, बोथ ब्लॉक विल मूव टूगेदर, ठीक है, ओके। सो अभी देखते हैं हम लोग अगर इसी केस में जो है मान लीजिए दोनों का सॉरी मान लीजिए दोनों का रिलेटिव मोशन होता, सो रिलेटिव मोशन होता है तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं देख लीजिए। ब्लॉक बी फिर से सेपरेट हम लोग चलते हैं, इसमें फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 90 न्यूटन होता है, ठीक है, लोअर सरफेस इज स्मूथ, लेकिन ये आगे जाएगा सो जिसपे फोर्स अप्लाइड हुआ है फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन पहले उसमें डिसाइड कीजिए, ठीक है, जिसपे फोर्स अप्लाइड हुआ है, यानी कि जिसमें फोर्स नहीं लगा है पहले उस पर फ्रिक्शन ले लीजिए, गलत है। सबसे पहले जो फोर्स अप्लाइड हुआ है उसमें देखिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि फ्रिक्शन का अपने आप में कोई रोल नहीं है जब तक फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, ये पहले भी वीडियो मैंने बताया हुआ है कि जब फोर्स अप्लाइड होगा तभी फ्रिक्शन एक्शन में आता है, ठीक है। सो देख लीजिए फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस पे लगेगा और इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में 40 न्यूटन, ठीक है। सो इस केस में एक्सेलरेशन कितना आता 90 - 40/b का मास 20, ठीक है, जो भी वैल्यू आता है अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता तो, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा था, मान लीजिए कैलकुलेशन में ये वैल्यू ज्यादा आ जाता है इससे, ठीक है। सो अब क्या करते फिर हम लोग ए पर आते, सो ए पर स्यूडो पीछे की तरफ होता है एम ए इंटू ए, ठीक है, कौन सा एक्सेलरेशन ये वाला एक्सेलरेशन हम लोग लेते हैं ये वाला एम ए इंटू ए और फ्रिक्शन फोर्स नीचे वाले के लिए पीछे था तो ऊपर वाले के लिए आगे हो जाएगा। सो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा यहां पर सेम एफ मान लिया 40 न्यूटन है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है दिस एम ए इंटू ए माइनस दिस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ ए, ठीक है। सो ये जो है ना आपका एक्सेलरेशन ऑफ मास ए आता है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ मास बी, तो दोनों का वैल्यू सेपरेट हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये केस यहां पर नहीं आया कैलकुलेशन में, ये जस्ट आपको समझाने के लिए हमने बता दिया, ठीक है। सो देख लीजिए आप लोग इसको, देन हम लोग न्यूमेरिकल थ्योरी डिस्कस करेंगे। सो हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सो कंडीशन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, सेम है, ब्लॉक बी के ऊपर ब्लॉक ए प्लेस है, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट ये हो गया कि प्रीवियस जो भी न्यूमेरिकल थे उसमें ग्राउंड और बी के बीच का सरफेस स्मूथ था, बट यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, सो दिस इज 0.2 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.4, ठीक है। मास ऑफ ए इज 10 kg, मास ऑफ बी इज 15 kg, ठीक है, एंड द फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन बी, जो फोर्स एफ का वैल्यू है दैट इज 90 न्यूटन, ओके। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ही ब्लॉक का, ठीक है। सो अगेन बात वही हो गई, फिर से हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्या दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों साथ में मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कॉमन होगा, और अगर दोनों साथ में मूव नहीं करेगा, कहने का मतलब दोनों मास के बीच में स्लाइडिंग है, दोनों मास का जो है एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन होगा, सो उस केस में जो है दोनों का एक्सेलरेशन अलग आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा स्टार्ट कीजिए कॉमन एक्सेलरेशन मान के, ठीक है, देन फिर चेक कीजिए क्या जो स्यूडो फोर्स दूसरे पर लग रहा है वो सफिशियंट है ड्राइव करने के लिए, या अगर ये फोर्स इस पे लग रहा होता तो चेक करते हैं क्या फ्रिक्शन फोर्स जो इस पे लग रहा है वो सफिशियंट है इसको ड्राइव करने के लिए, अगर नहीं तो नहीं होता एक्सेलरेशन, ठीक है, कॉमन ही होता, ठीक है। सो अभी चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट कॉमन एक्सेलरेशन इज ए सी ए कॉमन, ठीक है। सो फिर
दोनों ही ब्लॉक को हम लोग मान लेते हैं, बोथ ब्लॉक इज ए सिंगल ब्लॉक, ठीक है। दोनों का अगर सिंगल ब्लॉक मानोगे सो मास क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी, सो इट इज 10 प्लस 15, सो 25 केजी, ओके, दिस इज 25 केजी, सो एम जी नीचे हो जाएगा कंबाइन का, सो 25 इंटू 10, सो इट इज 250 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ठीक है, ये सब देने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा कीजिएगा खटाखट, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स देख लीजिए, अगर दोनों ब्लॉक कंबाइंड मोशन करेगा सो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फ्रिक्शन होगा जो पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है, अप्लाइड फोर्स के पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के पीछे की तरफ, इसका वैल्यू कितना होगा, म्यू एम ए प्लस एम बी इंटू जी, सो म्यू का वैल्यू 0.2, एम ए प्लस एम बी 25 और जी का वैल्यू 10, सो इट इज 50 न्यूटन, देख लीजिए 50 न्यूटन, और फोर्स अप्लाइड कितना है 90 न्यूटन, ओके। मान लिया कॉमन एक्सेलरेशन एसी है जो यहां हमने माना है, सो देख लीजिए क्या हुआ, कॉमन एक्सेलरेशन 90 माइनस दिस फ्रिक्शन फोर्स, ओके, 90 माइनस दिस बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है। सो एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 अप्लाइड फोर्स एफ डिवाइड बाय, सॉरी, माइनस दिस फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन डिवाइड बाय टोटल मास, सो इट इज 25। एसी कैसे आया, एसी इक्वल टू एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी, ओके, सो इट इज 40/25 मीन्स 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख लीजिए, ठीक है, जो कॉमन एक्सेलरेशन है 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स के लिए सीडो लगेगा इसका ऊपर, सो ए के पीछे फोर्स कितना हो गया, देख लीजिए, दिस इज एम ए इंटू एसी, सो इसका वैल्यू निकालिए, एम ए का वैल्यू 10 और एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/5, सो 5 से 2 टाइम चला गया, इट इज 16 न्यूटन, ओके। और अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा सो दिस फोर्स शुड मस्ट बी ग्रेटर देन, दिस फोर्स शुड मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दिस टू, ठीक है, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दिस टू, ठीक है। सो देख लेते हैं दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है, दिस इज ए, ओके, सो 0.4 म्यू एम ए जी, म्यू एम ए जी, सो म्यू का वैल्यू 0.4, एम ए का वैल्यू 10, जी का वैल्यू 10, सो इट इज हाउ मच, सी दिस इज 40 न्यूटन, सो अगेन क्या आ गया आपके पास, जो एम ए इंटू सी है, एम ए इंटू ए सी, दिस इज लेसर देन द म्यू एम ए जी, मीन्स इस पर जो स्यूडो फोर्स लग रहा है वो दोनों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स से कम है, सो कम है, सो इस बॉडी का ब्लॉक ए का ब्लॉक बी के ऊपर स्लाइडिंग नहीं होगा, ठीक है, सो स्लाइडिंग नहीं होगा तो दोनों साथ में चलेगा, सो दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन ही होगा, ठीक है। अगर यहां पर एम ए इंटू ए सी ग्रेटर हो जाता है म्यू एम ए जी से, सो दोनों के बीच में स्लाइडिंग होता है, दोनों के बीच का फ्रिक्शन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, सो उस केस में दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आता है, ठीक है। सो अभी दोनों का कॉमन होगा, सो कॉमन एक्सेलरेशन इज 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसके लिए, बोथ ब्लॉक के लिए, फॉर बोथ ब्लॉक, ठीक है, फॉर बोथ ब्लॉक, क्लियर है, देख लीजिए, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जैसे हमने कहा कि दोनों अगर मान लीजिए रिलेटिव मोशन कर रहा है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, मीन्स अगर कैलकुलेशन में एम ए इंटू ए सी ये इससे बिगर हो जाता तब कैसे कैलकुलेशन होता, लेट एम ए इंटू ए सी इज ग्रेटर देन म्यू एम ए जी, इस म्यू एम ए जी को बड़ा हो जाता है, सो उस केस में दोनों ब्लॉक का मोशन सेपरेट होता है। सो नीचे वाले ब्लॉक में देख लीजिए फोर्स एफ आगे लगता, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाता है, सेम 0.2 म्यू एम ए प्लस एम बी इंटू जी, वाई, बिकॉज इस ब्लॉक के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होता है वो दोनों के वेट के बराबर होता है, देख लीजिए
ब्लॉक ए के लिए मान लिया नॉर्मल डिविएशन ऊपर है, एमएजी नीचे हो गया, ठीक है। सो ब्लॉक बी के लिए क्या हो जाएगा, यही नॉर्मल डिविएशन नीचे की तरफ हो जाएगा और नीचे के ग्राउंड पे भी नॉर्मल डिविएशन लगेगा, मान लीजिए एम वन है, ठीक है, और इसका वेट एम बी जी डाउनवर्ड। सो क्या हो जाता है, देख लीजिए, एन वन इक्वल टू दिस नॉर्मल डिविएशन प्लस एम बी जी, और ये नॉर्मल डिविएशन का वैल्यू कितना है, एम ए जी। सो ये हो जाता एम ए जी प्लस एम बी जी, ठीक है। सो मीन्स इस सरफेस पे जो नॉर्मल डिविएशन लगेगा उसका वैल्यू एम ए प्लस एम बी जी के बराबर होगा। सो इस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स न्यू एम ए प्लस एम बी जी हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये ब्लॉक आगे जा रहा है, फोर्स अप्लाइड इसका ऊपर है, सो इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, लेट्स से दिस इज एफ, सो इसका वैल्यू कितना होगा, म्यू 0.4 एम ए जी, ठीक है। सो आगे चले जाइए, सो इसका एक्सलेशन आप सेपरेट निकाल लोगे एक्सलेशन, सो ए बी का वैल्यू हो जाएगा दिस एफ माइनस म्यू एम ए प्लस एम बी जी, ठीक है। देन ये वाला भी माइनस होगा, दिस माइनस एडिशन ऑफ दिस टू, सो माइनस 0.4 एम ए जी, ठीक है। इसको म्यू भी मान लो, इसको म्यू ए मान लो, सो म्यू भी ये हो जाएगा म्यू ए, नाउ इट इज क्लियर, डिवाइड बाय मास ऑफ बी ओनली, क्योंकि दोनों अभी जो है हमने मान लिया कि दोनों सेपरेट मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का एक्सलेशन अलग है, सो ये आएगा। और अगर ब्लॉक ए का निकालोगे, सो ब्लॉक ए में क्या होगा, देख लीजिए, पीछे की तरफ ये आगे जाएगा तो पीछे स्पीड लगेगा, सो इट इज एम ए इंटू ए बी, ठीक है। ब्लॉक ए जो है बी के ऊपर रखा हुआ है, सो ये आगे चलेगा, सो ए के ऊपर स्यूडो फोर्स लगेगा, सो स्यूडो क्या होगा, मास ऑफ ए इंटू एक्सलेशन ऑफ बी, ठीक है, जो कैरियर है, सो मास ऑफ ए इंटू एक्सलेशन ऑफ बी, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, ये फ्रिक्शन इधर, किसके लिए फ्रिक्शन इधर हो जाएगा, सो दिस इज द फ्रिक्शन, ओके। सो अगर ये आगे चलेगा तो इस ब्लॉक के लिए ड्राइविंग फोर्स पीछे होगा सीडो, ठीक है, तो ये पीछे जाएगा ए ए, ठीक है, बिकॉज दिस एम ए इंटू ए बी इज ग्रेटर देन एफ, सो ए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम ए इंटू ए बी माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाई एम ए, ठीक है, अगर दोनों सेपरेट मूव करेगा तब। सो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर टू डिफरेंट केसेस वेर बोथ द ब्लॉक विल मूव टूगेदर एंड वेर द वेन बोथ द ब्लॉक विल नॉट मूव टूगेदर, मीन्स बोथ है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, दोनों का एक्सलेशन अलग होगा, बोथ है डिफरेंट एक्सलेशन, ओके। फ्रीक्वेंसी चला गया मुझसे, ओके, देख लीजिए आप लोग इस न्यूमेरिकल को।